आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 प्रो के बारे में, इसकी कंप्लीट रिलीज डेट एंड प्राइस पाकिस्तान एंड इंडिया बताऊंगा, और इसकी न्यू फोटोज निकल कर आई वो भी दिखाऊंगा जस्ट इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्किप ना करें, कंप्लीट वॉच कर लें, जस्ट 3 मिनट्स की वीडियो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्विकली मैं आपको इसकी रिलीज डेट बताता चलूँ। देखें यहाँ पर रिलीज डेट की बात कर ली जाए तो 8 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी गैलेक्सी वॉच, और गैलेक्सी वॉच 3 लॉन्च हुई थी 5 अगस्त 2020 को, गैलेक्सी वॉच 4 रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2021 को। तो अभी जो 2022 में लॉन्च होगी वो होगी 27 अगस्त को, ठीक है। और गैलेक्सी वॉच 5 प्रो जो सबसे बड़ा वाला वेरिएंट होगा उसका, उसकी प्राइस होगी 540 यूरो, पाकिस्तान में कन्वर्ट करके तो प्राइस आएगी इसकी 1,20,000, और 540 को इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो 45,000 प्राइस आएगी इंडिया में, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट के अंदर मैंने रिलीज डेट बता दिया, प्राइस भी बता दिया आपको पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है। तो मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फोटोज जो लीक हो गया आई हैं, ये देख सकते हैं, ये है फोटोज जो उसकी लीक होकर आई हैं, ठीक है, 3D फोटोज हैं ये। तो यहाँ पर ये फोटोज लीक हो गई, एंड मैं मजीद बताता चलूँ। यहाँ पर हमें हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर देखें डिजाइन वाइज तो कोई चेंज नहीं किया गया, बड़े बड़े मोटे मोटे बेजल डाले गए यहाँ पर। अब कंपेयर टू एप्पल वॉच सीरीज 8 तो वहाँ पर हमें काफी थिन बेजल मिल रहे हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा बेजल मिल रहे हैं, मोटे मोटे बेजल डाले गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मजीद बात करूँ इसके बारे में तो यहाँ पर हमें बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर मजीद इसके बारे में बात करते चले तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले में ज़्यादा खास चेंज नहीं किया गया, वही पुराने वाला डिस्प्ले आ रहा है, बस जो रोटेटिंग यहाँ पर इसका डायलर होता था बस वो उन्होंने चेंज कर दिया, बकाया सेम आ रही बिल्कुल वॉच डिज़ाइन वाइज। बट हाँ, सैमसंग अपनी UI पर खेलेगा और यहाँ पर परफॉर्मेंस पर भी करेगा, ठीक है ना, सैमसंग आखिर। तो यहाँ पर सैमसंग की वॉच यहाँ पर अब परफॉर्मेंस के साथ आएगी और बैटरी लाइफ के साथ आएगी। बैटरी लाइफ सुना उसकी बहुत ज़बरदस्त बैटरी लाइफ आ रही है, तो बैटरी लाइफ तो हमें काफ़ी ज़बरदस्त ही मिलेगी मेरे ख्याल से। और टाइटेनियम यहाँ पर हमें फ्रेम मिलेगा इसका, और यहाँ पर बात कर लें इसके बारे में मजीद तो यहाँ पर सिरेमिक शील्ड भी मिल जाएगी फ्रंट के ऊपर। देखें अगर बेजल की बात करें तो पर्सनली तौर पर मुझे ना ये ज़्यादा पसंद आ नहीं रही बेजल के हिसाब से। मैं आपको बात बताता चलूँ एप्पल वॉच सीरीज 8 की, तो वहाँ पर देख सकते हैं कितने छोटे बेजल मिलते हैं, वहाँ पर सैमसंग के देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बेजल मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट सैमसंग को बेजल्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग खुद डिस्प्ले बनाता है, मोबाइल फोन्स के भी काफ़ी सारी कंपनीज को देता भी है, तो इन्हें डिस्प्ले में लाजमी काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर इसका तो डिस्प्ले का तो हो गया कंप्लीट, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि सेंसर्स पे। देखें हार्ट रेट सेंसर भी आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी आ रहा है, यहाँ पर र्यूमर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी आ रहा है इसके अंदर। और जो बात चल रही थी कि ग्लूकोज सेंसर आ रहा है इसके अंदर और दूसरे सेंसर, वो मेरे नहीं ख्याल से आ रहे हैं, वो तो एप्पल वॉच सीरीज 8 में एक्सपेक्टेड है, इसमें नहीं एक्सपेक्टेड है। इसमें 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी हमें, और काफ़ी सारे न्यू फीचर्स मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ तो हमें यहाँ 14 आवर्स तक मिली जाएगी इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब वॉच रिलीज हो जाएगी इसके मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में ऐसे ज़्यादा कुछ बताया तो नहीं, बट मैंने पिछली वीडियोस एप्पल यहाँ पर गैलेक्सी वॉच 5 प्रो पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी आपको मेरी वीडियोज़ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।